गोविंदा को गोली लगने के बाद गोविंदा से लोगों का मिलना और आना जाना लगा हुआ है। दरअसल बताते चले कि गोविंदा के भांजे कृष्ण अभिषेक की वाइफ कश्मीरा और एक्टर की बेटी टीना आहूजा अपने पिता से अस्पताल मिलने पहुंची और उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच गोविंदा के डॉक्टर अग्रवाल ने गोविंदा की सेहत को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। इन्होंने बताया है कि एक्टर को टांके आए हैं और अभी वो फिलहाल तो अंडर ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन क्रिटी केयर अस्पताल के डॉक्टर अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए गोविंदा की सेहत से जुड़ा हेल्थ अपडेट जारी किया है। इन्होंने बताया है कि फिलहाल गोविंदा बेहतर है, उन्हें 8 से 10 टांके लगे हैं। जब डॉक्टर से पूछा गया कि उन्हें अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी तो इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है कि 2 दिन में। ये टांके घुटने से 2 इंच नीचे लगे हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा पैरों पर जोर नहीं देना है, रिकवरी में 3-4 हफ्ते लग सकते हैं। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा वो ठीक हो जाए तो आज शाम को ही घर चला जाए, इतना होपफुल तो है ही। पैर के अंगूठे में गोली लगी है, वो जा रहा था तो और अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था तभी यह हादसा हो गया, हाथ से रिवॉल्वर गिर गई नीचे और अचानक गोली चल गई। वो इम्प्रूव कर रहे हैं। गोविंदा के भाई के अलावा कृष्ण अभिषेक ने भी अपने मामा को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। हालांकि कृष्णा तो नहीं, लेकिन उनकी वाइफ कश्मीरा अपने मामा ससुर का हाल चाल लेने अस्पताल जरूर पहुंची। अभिषेक ने इंस्टा पर मामा गोविंदा को लेकर पोस्ट किया तो लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा अभिषेक की पोस्ट पर जा रहा है। कृष्णा ने लिखा मामा भी ठीक है, आप सभी के प्यार और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि बस उनकी रिकवरी जल्दी हो और अपनी दुआओं में उन्हें ज़रूर रखना आप। फिलहाल क्या कुछ कहना है इस पर आपका, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेडीज़ सब लोगों को जाने के लिए जड़े हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।